Assalamu alaikum, dear student. I am Professor Sayyed Arba Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9. Today we are going to talk about the four non-collinear point. Four non-collinear point ko hum pehle discuss kar chuke hain. Aaj kis point of view se karenge? Humne baat ki thi quadrilateral ki. Quadrilateral student kya hota hai? Quadrilateral kehte hain aise figure ko jisme four vertices hote hain aur kya hoti hain? Four sides hoti hain. To ab hum आज के लेक्चर्स में और फर्दर लेक्चर्स में अपने डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि उन क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन किस तरह से जनरेट करती हैं। स्केयर की अंडरस्टैंडिंग के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट जो फिगर बनाते हैं, बेसिकली क्लोज फिगर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ही ये है कि ऐसी फिगर जो कि क्लोज्ड हो और क्या कितने वर्टिसेस हों उसके? फोर वर्टिसेस हों और क्या हों? फोर साइड्स हों। तो आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम अपने क्वाड्रिलेटरल कि जो एक टाइप है वो क्या है? स्केयर। क्योंकि स्केयर के भी फोर वर्टिसेस होते हैं और फोर ही हमारे पास साइड्स होती हैं और वो फोर की फोर साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसको अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को एक दफ़ा रिकॉल करेंगे, उसके बाद स्केयर से रेलिवेंट हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए देखेंगे कि कोई से फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों उनको हम किस तरह वेरीफाई करेंगे कि वो पॉइंट्स क्या जनरेट करते हैं या क्या फॉर्म करते हैं, एक स्केयर फॉर्म करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ स्केयर इज अ क्लोज फिगर इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब है कि स्केयर एक ऐसी हमारे पास फिगर है जो कि फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है, सच दैट द लेंथ ऑफ द ऑल साइड आर इक्वल। दो कंडीशंस हैं, एक तो है लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स आर इक्वल, कि सारी की सारी साइड्स जो होती हैं स्केयर की वो होती हैं इक्वल, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये दो कंडीशंस अगर हम वेरीफाई कर दें तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि कोई से भी चार जिन पॉइंट्स पे हम ये प्रूफ करेंगे कि वो फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या फॉर्म करते हैं, स्केयर फॉर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इनकी साइड्स को फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, हम अब वन बाय वन क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं ए बी। अब ए बी को हम कर रहे हैं तो ए के जो हमारे होंगे एक्स और वाई की वैल्यू वो शो करेगी एक्स वन वाई वन को, और जो हमारे बी की वैल्यू होगी वो शो करेगी एक्स टू वाई टू को। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर। अब यहां पे हम करेंगे वैल्यूज को पुट। अब एक्स टू हमारा होगा बी का, सो टू माइनस दिस इज एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू क्या है हमारे पास, दिस इज वाई टू माइनस टू इज द वाई टू माइनस वाई वन टू होल स्केयर। टू माइनस टू ज़ीरो एंड ज़ीरो स्केयर इज ऑब्वियसली ज़ीरो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों क्योंकि सेम ही डिजिट्स हैं तो उनका और इक्वल हैं तो हम किसी का भी साइन लिख सकते हैं, माइनस आ गया एंड माइनस माइनस प्लस टू प्लस टू फोर। अब ये नेगेटिव साइन स्केयर की वजह से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, ए बी इक्वल्स टू फोर स्केयर, और फाइनली हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स कैंसल आउट हो जाएगा और आ जाएगी फोर। ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, किसकी आई है, ए बी साइड की। अच्छा, उसके बाद अभी हमने क्या फाइंड किया है, ए बी फाइंड किया है, अब हम फाइंड करने लगे हैं बी सी। बी सी के लिए भी वही करेंगे। अब बी सी के लिए बी की वैल्यू होंगी एक्स वन वाई वन और सी की होंगी
x2 y2, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ओके, अब c की वैल्यू हमारी शो कर रही है x2 को, तो हम यहाँ पुट कर देंगे -2 माइनस फार्मूले का. अब हमने पुट करनी है x1 की वैल्यू, जो कि हमारी क्या देगा, b विच इज 2 स्क्वायर प्लस. अब y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 माइनस, और हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है, वो भी है -2. तो ये है फार्मूले का माइनस और ये है y1 का माइनस. इसको पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -4, और नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा. तो हमारे पास फाइनली BC की जो आ जाएगी वैल्यू, वो आ जाएगी 4, और इसे भी हम मार्क कर देंगे. AB BC, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड CD. अब CD के लिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू हमारी शो करेंगे x1 y1 को और D की शो करेंगे x2 y2 को. इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब हमने पहले D का देखना है, वो आ जाएगा -2 माइनस C का. अब ये वाला माइनस आ रहा है x1 का C से, 2 माइनस व्हाट इज y1 -2, सो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 2 प्लस 2 स्क्वायर, इट बिकम्स 0 एंड इट बिकम्स 4 स्क्वायर, देन कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से. तो CD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4. अभी तक स्टूडेंट हमारी जितनी भी वैल्यूज आई हैं डिस्टेंस की, वो क्या आई हैं, सेम ही आई हैं. अब हमारा लास्ट रह गया है, अभी तक हमने क्या AB, देन अभी हमने फाइंड किया BC, देन CD. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD. AD फाइंड करेंगे उसी तरीके से, A की वैल्यू x1 y1 एंड D की वैल्यू x2 y2. ओके, देन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर. x2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि है -2, उसके बाद हम पुट करेंगे x1 की वैल्यू जो कि है 2, उसके बाद y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 2. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 स्क्वायर और ये आ जाएगा 0, और AD की भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 4. अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है AB, BC, CD एंड AD, ऑल ऑफ देम आर इक्वल. चारों के चारों क्या हैं, इक्वल हैं. तो हमने क्या बात की थी डेफिनेशन में, सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल. एक चीज़ तो हम देख चुके हैं कि सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और इस चीज़ को हमने वेरीफाई भी कर लिया है. अब और क्या चीज़ हमने करनी थी, एंगल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो अब हम क्या स्टूडेंट करेंगे, अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या 90 डिग्री एंगल बनता है. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपको ये इस फिगर में डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं. बेसिकली डॉटेड लाइंस क्यों ड्रॉ की हैं और क्या हम प्रूव करना चाह रहे हैं, इस डॉटेड लाइन से देखें ये साइड एक बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, हमें नज़र आ रहा है ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. लेकिन सिर्फ नज़र आना काफ़ी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है. तो हम ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, और ट्राइंगल को किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को. पाइथागोरस थ्योरम को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम अगर
वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, विच इज़ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं, इट मीन्स के एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है. और वहाँ पे उसके बाद वेरीफाई करने के बाद हम वहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बी पे वो क्या है, 90 डिग्री, और हमारा फाइनली प्रूफ हो जाएगा. तो अब मूव करते हैं अपने उस पार्ट की तरफ. अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, इस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं. अब हमारे वैल्यूज़ क्या होंगी जो हमें चाहिए, ए सी चाहिए क्योंकि ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूस को, ए बी चाहिए और बी सी चाहिए. ए बी हमारे पास ऑलरेडी है, उसके बाद बी सी भी हमारे पास ऑलरेडी है. हमें क्या चाहिए, हमें ए सी की वैल्यू चाहिए. तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से ए सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम को इस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. सो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करने लगी हूँ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी. एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे. अब ए और सी में इसकी वैल्यू है एक्स वन वाई वन और इसकी वैल्यू है एक्स टू वाई टू. तो हम क्या पुट करेंगे, माइनस टू पुट किया, फिर हमने किया माइनस एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद फिर हमने y2 की वैल्यू पुट की जो कि है माइनस टू माइनस टू. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया. अब इसको कर लेंगे सॉल्व. अब ये आ जाएगा माइनस फोर स्क्वेयर और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस फोर स्क्वेयर. तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, दोनों के नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, रिमूव. यह आ जाएगा फोर स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर देन 16 प्लस 16 टू द 32. अब हमारे पास लास्ट जो हमें चाहिए थी वो भी साइड आ गई है, जो कि क्या है, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 32. अब हमारे पास ये भी आ गए हैं. अब हम इन तीनों को यूज़ करते हुए अब अप्लाई करने लगे हैं पाइथागोरस थ्योरम को. यस स्टूडेंट, हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, बी सी की, सी डी की और ए डी की, जो कि सब आई हैं इक्वल. उसके बाद हमने ये डायगनल वैल्यू भी फाइंड की है ए सी की, जो कि क्या आई है, अंडर रूट 32. बेसिकली हमने क्यों किया, हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस ट्राइंगल के थ्रू प्रूफ करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री. इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में हमारे क्या यूज़ करेंगे, हमें पता है दिस साइड विच इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर. सो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस एंड दिस इज बी सी स्क्वायर. अब इनकी क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे. ए सी की हमारे पास क्या है, अंडर रूट 32. ए बी की क्या है, 4, दोनों की बल्कि सेम है. और यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं, 32. और यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से भी आ जाएगा 16 एंड 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32. यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करने से हमने देखा कि वो क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है. इट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इट मीन्स द एंगल फॉर्मिंग एट द पॉइंट बी, जो कि हमारे पॉइंट बी पे, हमारे वर्टेक्स बी पे जो एंगल बन रहा है वो है 90. क्यों, क्योंकि जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई होता ही, वो सेटिस्फाइड होता ही राइट एंगल ट्राइंगल पे है. तो अभी इसको हम मेंशन कर देंगे, सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस
BC square and और हमारा एंगल जो है वो क्या है ए बी सी. अच्छा अब स्टूडेंट एक चीज़ और देखें, जिस हमने वर्टेक्स पे एंगल का बताना हो उसे हम हमेशा मिडल में रखते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है. ओके इसको हम मिडल में ही रखेंगे, 90 डिग्री हमने इस चीज़ को बता दिया. हैंस द फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, द फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर. यस स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व उसमें जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से है, डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. यस स्टूडेंट, आज हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा और स्क्वायर के बारे में हमने देखा कि हमारे पास अगर फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना बहुत ज़रूरी है, और वो कितने हों, फोर हों, तो वो स्क्वायर तब बनाएंगे जब उन पॉइंट्स को हम फाइंड करें डिस्टेंस. वो हमने कैसे फाइंड किया, डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड किया, और उनकी लेंथ क्या आए हमारे पास, इक्वल आए. एक तो चीज़ ये थी. उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमें फिर एक चीज़ और भी चेक करनी है, वो ये है, मतलब वेरीफाई बेसिकली हम उस चीज़ को कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, वो है 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री एंगल के लिए हमने एक डायगनल ड्रॉ किया. डायगनल ड्रॉ करने के बाद वो बन गया एक ट्रायंगल. फिर उस ट्रायंगल को हमने ये सोच के चले कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिर हमने किया पिथागोरस थ्योरम को उस पर अप्लाई किया. क्यों अप्लाई किया, क्योंकि बेसिकली अगर पिथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो तीनों जो हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो एंगल क्या है, 90 डिग्री. तो आई होप ये जितनी भी हमने वेरिफिकेशन की या जॉन जॉन सी कंडीशंस को यूज़ किया आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गई होंगी. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़.